अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में हमेशा खुश आबाद रखें। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बना रही हूँ अचार, बना रही हूँ कैरी का। तो इसके लिए मैंने 1 किलो कैरी ली है, उसको इस तरह काट दिया है ना, डाइस कर लिए। हाँ, तो इसको मैं प्याले में डाल दूँ। इसके 2 किस्म के मसाले बनेंगे अभी, तो इसमें यही कच्चे मसाले यूज़ करूँगी ना, इसको मैं भूनूंगी नहीं। इसमें है 2-3 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 2 टेबल स्पून जीरा, 1 टीस्पून क्रश चिल्ली है, कुटी मिर्च है, और 1 टीस्पून हल्दी है फुल भर के, फिर 1/2 टीस्पून गरम मसाला। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और नमक है 2 से 2.5 टेबल स्पून, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर दिया तो अब इसका हम दूसरा स्टेप आपको बताते हैं क्या करना है। ये सरसों का तेल है, इसको ला के ना हमने जला लिया था लहसुन डाल के। जब तक लहसुन जलती है स्मेल चली जाती है तेल की। अगर आपको ये सरसों का तेल नहीं पसंद ना तो आप आम जो कुकिंग ऑयल है उसमें भी आप बना सकते हैं। ये 1 टीस्पून राई है और 1/2 टीस्पून मेथी दाना है। हल्का से सौते कर लेंगे। अब इसमें एक बड़ी लहसुन है जो मैंने इस तरह कट कर ली, और जो अदरक है 2 टेबल स्पून, और कड़ी पत्ते हैं 25-26 के करीब पत्ते हैं, और ये 8 लाल मिर्च है ना, ये हम इसमें डाल देंगे। मेथी दाना 1 टेबल स्पून है और राई 1 टेबल स्पून है, तो ये डालेंगे हम। ये 1 टेबल स्पून क्लोंची है, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसको। अब ये जो कैरी पे मसाला लगा दिया था हमने कच्चा मसाला, ये इसमें डाल देंगे। अब डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये कैरी का झटपट अचार है ना, इसको आप 1-2 दिन में यूज भी कर सकते हैं। ये मैं और 1 प्याला तेल डालूंगी इसमें। तेल इतना होना चाहिए कि ये कैरी डूब जाए अंदर। बिल्कुल धीमी आंच पे मैं दम पे रखूंगी इसको। ये 2 प्याले मैंने तेल डाला है सरसों का तेल। अब इसको मैं थोड़ा सा ढाप दूंगी, बस हमारा अचार तैयार है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ ना, ये बहुत मज़ेदार और झटपट अचार है और खुशबू तो उसकी बहुत ही मज़ेदार आ रही है। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।